जय माता दी। साथियों, आज हम बात करेंगे एक प्रकृति के सुंदर उपहार की, लेंटेना पौधे की। यह वर्बेनेसियाई परिवार का सदस्य है और एक सदाबहार फूल देने वाला पौधा है। यह एक ऑर्नामेंटल पौधा है, इसकी मेंटेनेंस कम करनी पड़ती है। मूल रूप से यह अमेरिका और अफ्रीका का निवासी है, इसे ऑस्ट्रेलिया में लाया गया। यह भारत में भी दक्षिण और उत्तर पूर्व में पाया जाता है। अब तो लगभग सभी जगह लोग इसे लगाने लगे हैं भारत में, हैंगिंग बास्केट में। यह 1800 में भारत में अंग्रेज़ों द्वारा ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लाया गया। यह आधे से 2 मीटर तक ऊंचा चला जाता है और बहुत तेज फैलने वाली झाड़ी है। जमीन पे लग जाए तो फैलती रहती है और यह इको डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाती है। जानवर इसे खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। इसके फूल बड़े होकर रंग बदलते हैं और इसकी पत्तियां यह सारे ही हिस्से कह सकते हैं जहरीले होते हैं, पर इसकी बेरीज को कुछ पक्षी पसंद करते हैं। इसके नुकसान 1920 से मानव जाति को पता चले। इस पौधे के नुकसान हैं तो फ़ायदे भी हैं। इस पौधे का प्रयोग शहद के लिए और बटरफ्लाई गार्डनिंग के लिए किया जाता है। इसकी वजह से बटरफ्लाइज, बीज, हमिंग बर्ड्स आपके गार्डन में ज़्यादा आएंगी। वीवर बर्ड लेंटेना के फूलों से अपना घोंसला सजाती है। लेंटेना को कटिंग से भी बढ़ाया जा सकता है। लेंटेना से फर्नीचर ऐसा बनता है कि वह धूप, बारिश और दीमक का अच्छा सामना कर सकता है। यह पौधा सभी रंगों में उपलब्ध होता है और बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन इसका गार्डनिंग करते समय इसकी ग्लव्स का प्रयोग करना ज़रूरी है। जहरीला होने के बावजूद इसकी पत्तियों से मलेरिया, चेचक, दमा, अल्सर, कैंसर, एक्जिमा, उच्च रक्तचाप, बुखार, खांसी की दवाइयां बनती हैं। इस पौधे से माइक्रोबाइसाइड्स, फंगीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी बनाए जाते हैं। इस पौधे का प्रयोग बगीचे की सुंदरता बढ़ाने और बाड़ लगाने में किया जाता है। इसकी पत्तियों से बनाया तेल त्वचा रोगों में काम आता है। इसका तेल रूम फ्रेशनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, ऐसी ही सुंदर सुंदर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अपने परिवार के सदस्यों को भी, छोटे बच्चों को भी यह चैनल दिखाइए और उनका ज्ञान बढ़ाइए। जय माता दी।